प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है मुर्गी का बच्चा। एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी थी। अब वह झोपड़ी के पास एक तालाब था। उस तालाब के किनारे एक मुर्गी ने 12 अंडे दिए। अब वह मुर्गी उन अंडों को रोज सेया करती थी। अब धीरे धीरे वह दिन भी नजदीक आ गया जिस दिन उन अंडों में से बच्चे निकल आए। अब मुर्गी बहुत खुश हुई, लेकिन यह क्या, 12 में से तो 10 अंडों में से ही बच्चे निकले, 2 अंडे तो ऐसे ही रह गए। अब मुर्गी ने उनको देखा भी नहीं और वह अपने बच्चों के साथ खुशी से खेलने लगी। अब मुर्गी को याद आया, मुझे इन बच्चों को खाने के लिए दाना भी देना है। अब वे मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर ही दाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। अब वे तालाब के किनारे चलते चलते काफी आगे निकल गई। अब यहाँ पीछे जो अंडे बाकी बच गए थे, धीरे धीरे उनमें से एक अंडा फूटा और जैसे ही वह अंडा फूटा, उसमें से एक चूजा बाहर आ गया। अब उसमें से एक चूजा जैसे ही बाहर आया, उसने आसपास किसी को भी नहीं देखा। अब उसने तो अपनी माँ को आज तक देखा ही नहीं था, उसे तो मालूम ही नहीं था मेरी माँ कैसी दिखती है। अब वह चूजा घबरा गया और अपनी माँ को ढूंढने लगा। इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। अब वह घोंसले से बाहर धीरे 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 करते हुए निकल गया। अब जैसे ही आगे पहुंचा, एक गाय दिखी। अब वह गाय उस चूजे के हिसाब से तो बहुत बड़ी थी। पहले तो वह चूजा उस गाय को देखकर डर गया। अब वह गाय घास खा रही थी और जैसे ही उस गाय ने उस चूजे को देखा, गाय पूछने लगी, तुम कौन हो और किसे ढूंढ रहे हो? अब वह चूजा बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? गाय उस चूजे को प्यार से बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तो तुमसे बहुत बड़ी हूँ और तुम्हारी माँ तो मुझसे बहुत छोटी होगी। यह सुनकर वह चूजा थोड़ा मायूस हो गया और फिर से अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगा। अब उसे गाय से यह तो मालूम पड़ गया कि उस गाय से मेरी माँ छोटी है। अब वह चूजा जैसे ही आगे गया, उसे एक बकरी दिखी। अब उसे समझ में आया, यह बकरी तो गाय से छोटी है, लगता है यही मेरी माँ है। अब वह चूजा भागता हुआ उस बकरी के पास गया और पूछने लगा, क्या तुम मेरी माँ हो? वह बकरी हंसने लगी और बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, देखो मेरे 4 हाथ पैर हैं और तुम्हारे तो 2 हैं, तो तुम्हारी माँ तो तुम्हारे जैसी हुई ना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम आगे ढूंढो अपनी माँ को। अब वह चूजा फिर मायूस हो गया। अब उसे लगा, कहाँ ढूंढूं मैं अपनी माँ को, माँ मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? अब वह चूजा और आगे चलने लगा। अब उसने पेड़ पर बैठे हुए घोंसले में एक कौवा देखा। अब जैसे ही उसने कौवा देखा, वह चूजा खिलखिलाकर खुश हो गया और हंसने लगा, वाह, मेरी माँ मिल गई। उसने कौवे को आवाज लगाई और बोला, माँ, माँ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। उस कौवे ने उस चूजे को समझाया, देखो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो मुझसे थोड़ी बड़ी है और मैं तो तुम्हारी माँ से भी बहुत ऊंचा आकाश में उड़ लेता हूँ, तुम्हारी माँ तो ज्यादा उड़ भी नहीं पाती और मैं काऊ काऊ बोलता हूँ, तुम्हारी माँ तो कुकड़ू कुकड़ू बोलती है। अब वह चूजा मायूस ही हो गया
उसे लगता नहीं मुझे आज मेरी माँ मिलेगी। अब वह फिर थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने देखा एक तालाब में एक बतख अपने बच्चों के साथ तैर रही थी। अब उस चूजे को उस बतख के बच्चे कुछ अपने जैसे ही लगे। वह बहुत खुश हो गया उन्हें दिखते ही और बोला, माँ मैं आ गया, माँ मैं भी तुम्हारे साथ पानी में तैरूंगा। अब वह बतख समझ नहीं पाई और बोली, बेटा तुम कौन हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। उस चूजे ने कहा, नहीं देखो मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मेरे भी दो पैर हैं और चोंच है और तुम्हारे जितना ही बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ माँ। उस बतख ने समझाया, नहीं हम तो क्वैक क्वैक बोलते हैं और तुम्हारी माँ कुकड़ू कुकड़ू बोलती है। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम आगे जाओ, तुम्हारी माँ उस तरफ होगी। अब वह मुर्गी का बच्चा बहुत अधिक उदास हो गया। लेकिन तभी पेड़ पर बैठा हुआ एक कबूतर उसे काफी समय से देख रहा था। वह कबूतर समझ गया कि यह बच्चा अपनी माँ से भटक गया है और यह अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वह कबूतर पेड़ से उड़कर नीचे आ गया और उसने उस मुर्गी के बच्चे को कहा, देखो बेटा यह सब तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो तालाब के नजदीक गई हुई है, तुम वहीं जाकर ढूंढो, तुम्हारी माँ वहीं मिलेगी। अब यह कहकर कबूतर तो उड़ गया, लेकिन उस चूजे को अपनी माँ से कौन मिलवाता। अब वह चूजा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसने तालाब के पास एक मुर्गी को देखा जिसके पास और भी बच्चे थे। वह मुर्गी का बच्चा उन्हें देखते ही खुश हो गया क्योंकि वह बच्चे तो बिल्कुल उसके जैसे ही थे। वह दूर से ही चिल्लाया, माँ माँ मैं आ गया। अब मुर्गी ने जैसे ही उस बच्चे को देखा वह हैरान हो गई और बोली, तुम यहाँ कैसे आ गए, आओ मेरे बच्चे आओ। यह कहते ही मुर्गी ने उसे अपने पंखों में समेट लिया और गले से लगा लिया। मुर्गी ने उसे समझाया, मैं तो दाना लेने यहाँ आई थी, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ गए। लेकिन मुर्गी को अपने बच्चे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखा बच्चों, आज उस मुर्गी को अपने बच्चे पर बहुत गर्व महसूस हुआ कि देखो मेरा छोटा सा बच्चा कितना समझदार हो गया है और वह गांव भर में मुझे ढूंढ ढूंढ कर यहाँ तक पहुँच गया। कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा एक ही दिन में। उसे अपने बच्चे की समझदारी पर बहुत गर्व हुआ और मुर्गी ने झट से अपने बच्चे को गले से लगा लिया और फिर वह सारे बच्चों को एक साथ लेकर अपने घोंसले में चली गई।